हेलो एवरीवन माय नेम इज पीयूष एंड वेलकम टू फायरबिस्ट डैक्ट सीरीज़ एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यूज़र को एक फॉर्म देंगे जिससे वो अपनी बुक्स को लिस्ट कर सकता है बुक्स की हम इमेजेस को भी लिस्ट करवाएंगे एंड हम उसको फायरबे स्टोरेज में ऐड करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी वे में मैं इसको समझाने वाला हूँ सो so, वीडियो के एंड तक जरूर देखना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक यूज़र को एक फॉर्म देंगे जिससे वो अपनी बुक्स को लिस्ट कर सकता है एंड हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे हमारे फायर स्टोर में ओके okay? सो so, देखते हैं कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम अपने होम पेज पर हैं एंड आई एम लॉकड इन राइट नाउ ओके एंड सबसे पहले कुछ कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले मुझे कॉम्पोनेंट चाहिए होगा नाव बार बिकॉज मुझे थोड़ा खाली लग रहा है सो इफ़ आई गो टू रिया बूट्स एंड हम इसमें सर्च करेंगे नाव सो so ये हमारे पास आ चुका है नाफ बार्स तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नाफ बार्स हैं राइट सो वी कैन यूज़ एनी नाफ बार तो एक काम करते हैं ये वाला नाफ बार यूज़ करेंगे दिस ब्लैक वन तो वॉट वी हैव टू डू सबसे पहले हम अपने कॉम्पोनेंट्स में जाते हैं एंड आई से नाफ बार डॉट जे एस एक्स करेक्ट तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करेक्ट एंड इसको हम नाम देंगे कॉन्स नाव तो ये हमारे कॉम्पोनेंट है नाफ ओके सो सबसे पहले हमें क्या करना है uh, कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट करना होगा राइट right? हमने कॉपी पेस्ट किया तो हमने कंटेनर नाव एंड नाव बार को इंपोर्ट किया हमें अपने कंपोनेंट का नाम चेंज करना होगा बिकॉज इसका नाम भी नाव है सो आई कैन से माय नाव बार ओके एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं आई कैन कॉपी दिस थिंग आई कैन कॉपी दिस नाव बार द फर्स्ट वन एंड लेट्स सी हाउ दिस लुक्स सो हम यहाँ पर क्या करेंगे रिटर्न एंड इसको हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट एंड लेट्स एक्सपोर्ट दिस हेयर सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई नाव बार माई नाव बार एंड इसको हम क्या करने वाले हैं इसको हम रेंडर कर देंगे हमारे होम पेज में तो होम पेज में चलते हैं या फिर एक काम करते हैं पूरे ऐप पर ही इसको रेंडर कर लेते हैं सो वॉट आल डू फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ डिव है सो हम इसको एक डिव में रैप करेंगे करेक्ट एंड लेट्स इम्पोर्ट आर कॉम्पोनेंट है सो हम यहाँ पर अपने कॉम्पोनेंट्स को इम्पोर्ट करेंगे सो आई सी कॉम्पोनेंट्स सो हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है नाव बार माई नाव एक्चुअली माई नाव बार एंड जस्ट फ्रेंडर दिस माई नाव बार हेयर तो देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा नाव बार सो एज़ यू कैन सी हमारा नाव बार आ चुका है करेक्ट तो दिस इज आर नाव बार जिसमें हमारे पास होम फीचर्स एंड प्राइजिंग है तो so करंटली इस नाव बार को थोड़ा सा एडिट करते हैं तो so नाब बार में चलते हैं uh, मुझे होम चाहिए मुझे फीचर्स नहीं चाहिए एंड मुझे प्राइजिंग भी नहीं चाहिए राइट एंड लेट्स रिमूव दिस एच आर या फेसवेल सो अभी हम कहाँ पर हैं हमारे होम पेज पर हैं करेक्ट सो होम पेज वो डिज़ाइन करते हैं uh, एक काम करते हैं नाव बार में एक बटन देते हैं यूज़र को जिससे वो लिस्टिंग कर सके सो वॉट आई से हम इस नाव लिंक को कॉपी कर लेते हैं एंड आई से इसका नाम क्या होने वाला है एड लिस्टिंग ओके सो मेरे पास यहाँ पर एक बटन आ चुका है एड लिस्टिंग का एंड मैं क्या चाहता हूँ इस बटन को क्लिक करने से हम यूज़र को एक फॉर्म दिखाएंगे एक न्यू पेज पे ले जाएंगे जहाँ पर वो अपने बुक्स को लिस्ट कर सकता है करेक्ट तो वो हम कैसे करने वाले हैं तो सबसे पहले पेजेस में जाते हैं एंड एक न्यू पेज बनाएंगे राइट सो पेज का नाम क्या होगा लिस्ट डॉट जे एस एक्स सो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हो गया एंड ऐसे लिस्टिंग पेज ये हमारा लिस्टिंग पेज है लिस्टिंग्स पेज राइट इसमें हम रिटर्न करेंगे हमारा फॉर्म सो so, ये वाला फॉर्म भी कुछ मिलता जुलता ही है हमारे लॉग वाले से जैसे हमारे पास लॉग में ई पासवर्ड एंड हमारे पास एंड पासवर्ड था सिर्फ इसमें हमारा क्या चाहिए हमें बुक का नेम चाहिए लेट्स टेक अ आई एस बी एन नंबर और हमें बुक की फ़ोटो चाहिए कवर फोटो सो मैं क्या करूँगा आई विल गो टू माय लॉग इन पेज करेक्ट तो मैं इसी को कॉपी करना प्रेफर करूँगा तो सबसे पहले इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं दोनों कॉम्पोनेट्स को एंड देन वॉट आई डू लॉग इन पेज में से एज इट इज़ पूरा फॉर्म कॉपी कर लेंगे सो लेट्स कॉपी दिस होल थिंग कॉपी एंड लिस्टिंग में पेस्ट कर लेंगे राइट right? तो so, ये हमारा हो गया पेस्ट एंड लेट्स एक्सपोर्ट दिस लिस्टिंग पेज फ्रॉम हेयर एक्सपोर्ट लिस्टिंग पेज एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिस्टिंग पेज एंड अगर हम अपने आप में जाते हैं तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट लिस्टिंग पेज एंड लेट्स रजिस्टर दिस राउट एज वेल तो इसका नाम क्या होगा स्लैश बुक स्लैश लिस्ट ओके एंड इसमें हम अपने लिस्टिंग पेज को रेंडर कर देंगे तो so एक बार इस राउट को देखते हैं वी हैड सम एयर हेअर ओके सो अगर हम अपने लिस्टिंग पेज में जाते हैं सो हमारे पास वेरिएबल्स नहीं है ये वाले राइट right? तो so, इस बार इसको रिमूव uh, काम करते हैं uh, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज हमें एरर आ रहा है हमारे पास ये फंक्शंस नहीं है सो व्हाट वी वांट हम इसको करेंगे यूज स्टेट करेक्ट सो एक बुक के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेट हो सकती है हमारे पास बुक का नेम हो सकता है आई नंबर प्राइस एंड और क्या हो सकता है हमारे पास ऑब्वियसली द कवर फोटो सो लेट्स मेक द स्टेट सो पहले हम बनाएंगे नेम सेट नेम एंड यू स्टेट एम उसके बाद हमारे पास क्या होगा आई एस बी एन नंबर ले लेते हैं आई एस बी एन नंबर सेट आई एस बी एन नंबर यूज स्टेट अगेन एम टी उसके बाद हमारे पास क्या होगा प्राइस सॉर से प्राइस सेट प्राइस यूज इक्वल्स टू यूज स्टेट करेक्ट एंड कवर पिक राइट कवर पिक एंड सेट कवर पिक एंड हम क्या करने वाले इसको यू स्टेट एम टी एंड उसके बाद हम क्या करेंगे इस ई मेल एड्रेस को हटा के वे उसे एंटर बुक नेम राइट एंड ये क्या करेगा सेट नेम को ट्रिगर करेगा बिकॉज इट इस बुक नेम एंड इसकी हम वैल्यू क्या कर देंगे नेम टाइप विल बी टेक्सट प्लेस होल्डर विल बी एंड बुक नेम राइट सो ये हमारा हो गया सिमिलरली यहाँ पर हम आई एस बी एन का एक ऑप्शन देंगे आई एस बी एन सो एल से सेट आई एस बी एन नंबर वैल्यू आई एस बी एन नंबर एंड टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर आई एस बी एन नंबर ठीक है एंड और क्या चाहिए हमें वी डोंट वॉन्ट दिस साइन इन विद गूगल बटन है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से बटन पे हम क्या करेंगे क्रिएट राइट सो एंड एक काम करते हैं फंक्शन बना लेते हैं हैंडल सबमिट का सो कॉस्ट हैंडल सबमिट जो अभी कुछ नहीं करता करेक्ट तो अब एक देखते हैं इस कॉम्पोनेंट को सो वट वॉज आर राउट तो आप डॉट जी एस में जाते हैं लेट्स कॉपी दिस एंड हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट सो दिस इज़ आर फॉर्म ठीक है हमारे पास बुक नेम आ रहा है आई एस बी एन आ रहा है बाकी की दो फील्ड भी बना लेते हैं सो इफ़ आई गो बैक टू द लिस्ट सो हमारे पास एक प्राइस के लिए हम एक चाहिए तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड आई से प्राइस सो ये क्या करेगा सेट प्राइस करेगा एंड यहाँ पर क्या आएगा प्राइस तो so सिमिलरली हमारे पास प्राइस का आ चुका है एंड एक हमें चाहिए जिसमें यूजर कवर फोटो अपलोड कर सके सो so, दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट सो इसका इनपुट क्या होगा द टाइप विल बी फाइल करेक्ट प्लेस होल्डर नहीं चाहिए हमें इसमें सो वी कैन रिमूव द प्लेस होल्डर एंड आई से सेट कवर टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स एंड लेट्स टेक द फर्स्ट फाइल बिकॉज ऑब्वियसली मुझे फर्स एक ही फाइल चाहिए तो मैंने इसका जीरो एलिमेंट ले लिया लेट्स सी हाउ इट इज़ लुकिंग तो हमारे पास चूज़ फाइल का बटन आ रहा है हमारे पास आई एस बी एन आई एस बी एन नंबर इसमें हमें प्राइस चाहिए सो आई विल से एंटर प्राइस है एंटर प्राइस राइट तो हमारा फॉर्म तो हो चुका है रेडी करेक्ट सो इसको सबसे पहले हम लिंक करते हैं इस एड लिस्टिंग के साथ ठीक है तो जब मैं इस एड लिस्टिंग क्लिक करूँ मुझे यहाँ आना है तो वो हम कैसे करेंगे आई गो टू माई बार यहाँ पर हम एक कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम रियाक्ट राउटर डॉम फ्रॉम रियाक्ट राउटर डॉम एंड इस कंपोनेंट का नाव है नाम है नाव लिंक सो आई से नाव लिंक ओके okay? नाव लिंक एंड इस नाव लिंक में हम एक प्रॉप देंगे टू कहाँ लेके जाना है हमें सो so इसमें हम अपना ये वाला पास दे देते हैं सो टू स्लैश बुक स्लैश लिस्ट करेक्ट सेव करते हैं सो हमारे पास ये एड लिस्टिंग आ रहा है रिफ्रेश करते हैं डिसेंडेंट कैन एक्चुअली हमारे पास एरर आ रहा है बिकॉज यहाँ पर नाव लिंक है नॉव लिंक सो आई कैन रिमूव दिस नाव लिंक फ्रॉम योर करेक्ट तो हमारे पास यहां पर एड लिस्टिंग आ रहा है सो इफ आई गो बैक टू होम एंड एड लिस्टिंग बट ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है right? राइट तो एक काम करते हैं इसको रिवर्ट करते हैं इसको प्रोग्रामेटिकली करते हैं तो वॉट आई कैन डू इस रिमूव uh, इस एच आर ई एफ में वी कैन गिव दिस लिंक राइट सो लेट सी लेट्स गो बैक टू दी होम एंड क्लिक ऑन आर लिस्टिंग सो वी आर एट आर लिस्टिंग पेज करेक्ट तो अब हमें इस फॉर्म को वर्किंग करना है मैं क्या चाहता हूँ यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेगा मुझे उसे अपने फायर स्टोर में स्टोर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं आई वेल गो टू माई फायर बेस अकाउंट बिल्ट के अंडर सबसे पहले चलते हैं फायर स्टोर की तरफ ठीक है तो सबसे पहले हम अपने फायर स्टोर को इनेबल कर लेते हैं सो आई एल से क्रिएट डेटा बेस एंड स्टार्ट इन टेस्ट मोड वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एंड इनेबल सो लेट्स वेट फॉर आर फायर स्टोर टू गेट इनेबल्ड मीन वाइल जब तक हमारा फायर स्टोर इनेबल हो रहा है हम अपने कॉन्टेक्स में इसके फंक्शंस बना लेते हैं राइट वी कैन रिमूव दिस फ्रॉम हेयर एंड लेट्स गो टू द कॉन्टेक्सट फायर बेस तो यहाँ पे हम जया करेंगे आई ए इम्पोर्ट आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम नउ फ्रॉम दिस टाइम फायर बेस स्लैश इट विल भी फायर स्टोर करेक्ट फायर स्टोर एंड यहाँ से हम इम्पोर्ट करेंगे गेट फायर स्टोर टू गेट द इंस्टेंस सो लेट्स मेक अ इंस्टेंस सो ऐसे कॉस्ट फायर स्टोर इक्वल्स टू गेट फायर स्टोर एंड इसमें हम अपना फायर बेस आप पास कर देंगे तो इससे क्या हुआ हमारे फायर स्टोर फायर स्टोर का एक इंस्टेंस बन चुका है ठीक है एंड जैसे हमने अभी तक इतने फंक्शंस बनाए हैं एक और फंक्शन बनाते हैं एड लिस्टिंग कॉस्ट एल से हैंडल क्रिएट न्यू लिस्टिंग ठीक है तो हमें एक न्यू लिस्टिंग करनी है तो एक लिस्टिंग में हमारे पास क्या कुछ है वी हैव अ नेम करेक्ट एंड वी हैव अ ISBN number, and we नंबर एंड वी हैव प्राइस एंड वी हैव अ कवर पिक ठीक है तो वे हमारे पास ये चीज़ें हैं तो बस हमें क्या करना है हमें यहाँ पर एक फंक्शन लिखना है जो इसको फायर स्टोर में डाल देगा एंड एक काम करते हैं इस फंक्शन को अभी थोड़ी देर में करेंगे एंड इसको भी हम अपने कॉन्टेक्ट में डाल देंगे करेक्ट तो एक चीज़ समझना जो कवर पेक है वो एक इमेज है सो फोटोज़ ऑलवेज गो इन दी बकेट हमारे स्टोरेज में जाएगी उसका जो पाथ होगा जो उसका रेफरेंस होगा उसको हम अपने फायर स्टोर में रखने वाले हैं ठीक है तो देखते हैं हम ये कैसे करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे विल गो टू आर लिस्टिंग पेज राइट दिस इज़ आर लिस्टिंग पेज हैंडल समिट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अवेंट इस इवेंट को हम विल डू इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ठीक है ताकि हमारा पेज रीलोड ना हो जाए एंड लेट्स डू वन थिंग हम अपने फायर बेस को भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं सो आई विल से फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट स्लैश फायर बेस और इसमें हमारे पास क्या आएगा यूज़ फायर बेस सो आई विल से कॉन्स्ट फायर बेस इक्वल्स टू यूज फायर बेस तो हमारा फायर बेस बन चुका है तो बस मुझे क्या करना है आई हैव टू कॉल दिस फायर बेस डॉट इसमें मुझे एक मेथड को कॉल करना है uh, हमारे मेथड का नाम क्या है हैंडल क्रिएट न्यू लिस्टिंग सो आई से क्रिएट न्यू लिस्टिंग इसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या जाएगा हमारी बुक का नेम देन आर आई एस बी एन नंबर करेक्ट उसके बाद क्या जाएगा प्राइस एंड फाइनली क्या जाएगी कवर पिक राइट एंड आई से ए सिंक एंड इसको हम क्या करेंगे अवि ओके okay. तो अब इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं ठीक है थीके? तो इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं गो टू आर फायरबेस तो सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा सबसे पहले मैं इस कवर फोटो को अपलोड करूँगा राइट सो अपलोड कहाँ करते हैं हम कहाँ अपलोड करते हैं हम अपने स्टोरेज में अपलोड करते हैं सो लेट्स गो टू स्टोरेज तो बिल्ड के अंदर वी हैव स्टोरेज राइट एंड इस स्टोरेज को हमने इनेबल कर लिया है राइट दिस इज इनेबल्ड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको रूल्स में जाना है सबसे पहले राइट right? मैंने ये गलती बहुत बार की है एंड इस रूल्स को इनेबल करना है फॉर रीड एंड राइट सो ये जो इफ़ फॉल्स है आपको क्या करना है इफ़ ट्रू पब्लिश करना तो इससे क्या होगा हम अब इस बकेट में रीड एंड राइट कर पाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मैं हर बार मिस कर देता हूँ और हर बार एक एरर आ जाता है सो so, इसको यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं uh, हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें इसका भी एक इंस्टेंस चाहिए सो आई से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम फायर बीस एंड स्टोरेज करेक्ट तो इसमें हमारे पास एक मेथड होता है गेट स्टोरेज सो सिमिलरली हम क्या करेंगे एक स्टोरेज का भी इंस्टेंस बना लेंगे सो स्टोरेज इक्वल्स टू गेट स्टोरेज एंड इसमें हम क्या करेंगे फायर बेस ठीक है अब हमें क्या करना है सबसे पहले हमें एक रेफरेंस बनाना होता है करेक्ट हमें एक रेफरेंस बनाना होता है सो लेट्स इम्पोर्ट दैट एज वेल रेफरेंस एंड हम एक और मेथड इम्पोर्ट करेंगे अपलोड बाइट्स टू अपलोड द डेटा सो लेट्स गो टू आर फंक्शन तो हमारा फंक्शन कहाँ पर है सो दिस इज़ आर फंक्शन तो सबसे पहले इस कवर फोटो को अपलोड करते हैं तो कैसे करेंगे सबसे पहले एक रेफरेंस बनाएंगे आइल से माई इमेज रेफ़ ठीक है सो आइल से रेफ़ इस रेफरेंस के अंदर सबसे पहले हम अपनी स्टोरेज देंगे सो आइल से हमारे नाम के स्टोरेज एंड उसके बाद हम एक रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस क्या होगा मैं इसको कहाँ स्टोर करना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू मेक अ फोल्डर अपलोड्स अपलोड्स के अंडर इमेज और इमेज़ के अंडर मैं इस फाइल को रखूंगा सो आई एल से आई एल से कवर ठीक है कवर डॉट नेम जो भी हमारी फाइल का नाम है करेक्ट हम इसको यहाँ पे रख देंगे एंड एक काम करते हैं इस इस फोटो का जो नाम है इसको थोड़ा सा यूनिक करने के लिए कुछ रैंडम डिजिट्स को ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा क्यों बट बत अभी के लिए बस एक बार समझ लो क्यों सो डेट डॉट नाव को भी ऐड कर देते हैं इसके साथ तो इससे क्या होगा हर बार एक यूनिक पाथ जनरेट होगा हमारे लिए कैसे समझाऊंगा तो हमने एक रेफरेंस बना लिया है उसके बाद बस हमें क्या करना है सबसे पहले अवेट करना होगा आई एल से अपलोड बाइट्स और इसमें हम क्या करेंगे हमारी इमेज रेफ दे देंगे हमारा रेफरेंस और हम अपनी फाइल को दे, दे देंगे जिसको हमें अपलोड करना है ठीक है so, सो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट एन एल से हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट में सो एल से अपलोड रिजल्ट तो हमारे पास एक अपलोड रिज़ल्ट आएगा राइट इस रिजल्ट में क्या होगा यहाँ का पाथ होगा जहाँ पे भी हमने अपनी इमेज को अपलोड किया सो so, अब हमें क्या करना है इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है अब बस हमें इसको फायर स्टोर में रखना है तो फायर स्टोर में कैसे रखते हैं तो फायर स्टोर में रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है एक तो हमें चाहिए होती है कलेक्शन राइट कलेक्शन चाहिए होता है और एक हमें मेथड चाहिए होता है एड डॉक टू एड अ डॉक्यूमेंट तो हम कैसे करेंगे सो आई एल सेव आ वेट एड डॉक्यूमेंट बिकॉज हमें डॉक्यूमेंट ऐड करना है कहाँ ऐड करना है सो so हमें इसमें कलेक्शन का रेफरेंस देना होगा कलेक्शन के रेफरेंस में पहले हम अपना फायर स्टोर देंगे राइट right? जो हमने अभी यहाँ पर बनाया था दिस फायर स्टोर उसके बाद मुझे इसको कहाँ रखना है मुझे इसको बुक्स के अंडर रखना है बुक्स कलेक्शन के अंडर रखना है एंड यहाँ पर हम अपना डेटा देंगे तो डेटा क्या होगा सबसे पहले इस बुक का एक नेम होगा तो हम ये नेम पास कर देंगे इस बुक का एक आई नंबर है सो तो से आई एंड इस बुक की एक प्राइस है करेक्ट एंड इसकी एक इमेज है तो इमेज का हम यू देंगे इमेज को तो हमने स्टोरेज में रख दिया इस इमेज का यू तो वो हमारे पास कैसे आएगा आई एल से अपलोड रिजल्ट डॉट रेफरेंस डॉट फुल पाथ ठीक है एंड साथ ही रखते हैं कि इस बुक को किसने लिस्ट किया यूज़र की डिटेल्स तो यूज़र की डिटेल्स मुझे कहाँ से मिलेगी जो भी करंट लॉकड इन यूज़र है करेक्ट तो एक काम करते हैं इस फंक्शन के बाहर एक बार कौनसोल डॉट लॉक करते हैं यूज़र को सो कौनसोल डॉट लॉक यूज़र एंड देखते हैं यूज़र में हमारे पास क्या कुछ है सो बैक टू रिएक्ट ऐप एंड यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है फायर बेस में बिकॉज हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं और हमने इसको ए सिंक नहीं किया राइट एंड कवर इज़ नॉट डिफाइंड कवर इज़ नॉट डिफाइंड अगर हम वापस अपने लिस्ट में जाते हैं तो हमारे पास कवर पिक है इट्स नॉट कवर सो आई से कवर पिक ठीक है तो हमारे पास ये यूज़र कौंसल डॉट लॉग हो रहा है तो हमारे पास यूज़र का एक तो एक्सेस टोकन है हमारे पास यूज़र की यू है हमारे पास यूज़र का डिस्प्ले नेम है सो so, इसको भी हम अपने डेटाबेस में रख लेते हैं सो वॉट आई एल डू आई एल गो टू फायर बेस आई एल से जिसने भी इसको अपलोड किया सो आई एल से यूज़र की आई तो so, वो हमें कैसे मिलेगी यूज़र डॉट यू आई डी सो एल से यूज़र डॉट यू आई डी एक हम रख लेते हैं यूज़र की ई मेल राइट तो यूज़र की ई मेल मुझे मिलेगी यूज़र डॉट .e ई मेल से करेक्ट एंड हम और क्या रख सकते हैं यूज़र का डिस्प्ले नेम रख लेते हैं सो तो एल से डिस्प्ले नेम है यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम एंड एक यूज़र की फ़ोटो भी रख लेते हैं सो तो मुझे यहाँ से मिल रही है सो एल से यूज़र फोटो यू आर एल एस यूज़र डॉट फोटो यू आर एल तो इससे क्या होगा डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा राइट एंड इसको हम क्या करेंगे रिटर्न कर देते हैं यहाँ से सो so, इस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं आप ओके सो so, यहाँ पर आई गेस हमने सब कुछ कम्प्लीट कर लिया एंड इफ़ आई गो बैक है here, हमारी बकेट एम है एंड हमारे फायर स्टोर में भी कोई कलेक्शन नहीं है सो लेट सी हाउ टू डू दैट सो रिएक्ट ऐप में जाते हैं एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सो so, बुक का नाम क्या होगा सो so, बुक नेम इज़ कंप्लीट रिएक्ट सीरीज बाय पीयूष गर्ग ISBN एस बी एन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव प्राइस दिस ओके वी गॉट एन एरर वी गॉट एन एरर ओके वॉट इज द एरर इफ आई गो टू माई लिस्टिंग पेज एंड वी क्रोल डाउन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सेट प्राइस प्राइस हमने यहाँ पर एक गलती की हमने यहाँ पर भी वैल्यू प्राइस कर दिया गलती से तो ये हटा कर एंड हमें इसको भी हटा हमें यहाँ पे क्या बोलेंगे कवर पिक राइट सो लेट्स रिफ्रेशन तो दोबारा करते हैं सो कम्प्लीट रिया सीरीज बाय प्यूश कर्ग आई एस बी आई नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड द प्राइस इज़ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ ओके गो हैड एंड बाई दिस बुक प्लीज़ सो इस फोटो का एक कवर पिक चूज़ करते हैं सो आई विल टेक दिस एज़ माई कवर पिक सो आई विल से ओपन राइट एंड लेट्स क्रिएट इट सो एज वो ए क्लिक ऑन क्रिएट समथिंग इज़ हैपनिंग So let's go to our collection and hit a refresh here. I hope it is uploaded. So yes, it is uploaded. So as you can see, hamare books mein we have a document and isme kya hai Display name piyush कर, hamare image URL aa raha hai हमारे पास ISBN भी आ रहा है, name आ रहा है, photo, price, user ID, user image, everything is coming here, right? And one more thing I want to show you, storage में चलते हैं। तो so स्टोरेज में हमें क्या दिख रहा है हमारे पास एक फोल्डर बन चुका है अपलोड्स का क्लिक करते हैं अपलोड्स के अंदर हमारे पास क्या है इमेजेस इमेजेस के अंदर हमारे पास क्या है हमारे पास पहले कुछ रैंडम नंबर है डेट डॉट नाउ हमने किया था एंड देन हमारे फोटो uh, का नाम है हमने ये नंबर क्यों ऐड किया था बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में यूज़र सेम नाम की कोई फोटो दोबारा अपलोड कर दे तो so क्या होगा हमारी फ़ोटो रिप्लेस हो जाएगी विच वी डोंट वॉन्ट करेक्ट सो इसलिए मैंने एक रैंडम नंबर किया तो अभी हर बार एक यूनिक नंबर आएगा सो एज़ यू कैन सू एज यू कैन सी हमारी फोटो यहाँ पर आ चुकी है जो हमने अपलोड की थी सो दिस इज़ आर पिक करेक्ट एंड फायर स्टोर में भी हमने सक्सेसफुली डेटा को रख लिया है सो so, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक लिस्टिंग को ऐड करवा सकते हैं फ्रॉम अ यूजर सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट लिस्टिंग्स ऑन योर ऐप ठीक है तो हमने यूजर से इनपुट लिया एंड हमने उसको सक्सेसफुली लिस्ट करवा दिया हमारे फायर स्टोर ऐप में सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जो हमने ये लिस्टिंग्स करवाई कैसे हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं कैसे हम इसके ऊपर क्वेरी करेंगे और इसको फेच करके हमारे यूजर के होम पेज पे दिखाने वाले हैं राइट सो स्टे ट्यून्ड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय टेक केयर